नमस्कार, मैं रूपाली माने मेरे चैनल मास्टरशेफ रूपाली में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना वड़ा, क्योंकि महाशिवरात्रि बहुत नजदीक आने वाली है और ये लोग बहुत मनपसंद से खाते हैं साबूदाना वड़ा। तो चलिए सीखते हैं साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़े में पड़ने वाली चीज मेन है ये साबूदाना। ये मैंने रात में ही 2 कप लेके इसे भिगो के रखा है। जैसे हम खिचड़ी को साबूदाना भिगोते हैं उससे ज्यादा थोड़ा सा पानी डालिए, क्योंकि थोड़ा सा गीला हमें साबूदाना चाहिए। उसके बाद हम लिए आलू, ये उबले हुए आलू है। जितना साबूदाना रहता है उतना ही आलू ले लीजिए। मैंने एक 4 मीडियम साइज आलू ले लिए है। उसके बाद आता है मूंगफली का रोस्टेड मूंगफली, जो मैंने पीस लिए अच्छे से। मूंगफली अच्छे से आप एकदम धीमी आंच में उसे ये कीजिए, रोस्ट कीजिए, उसके बाद उसे पीसिए, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही आएगा। फिर आएगी हरी मिर्च, ये 4 से 5 हरी मिर्च है। आप जैसे तीखा खाते हो या कम खाते हो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ये लाल मिर्च किसी को चाहिए तो डालिए, नहीं तो मैंने कलर के लिए मैं उसे थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ, इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। ये है नमक और स्वाद अनुसार और थोड़ी सी चीनी। तो ये पूरा साबूदाना इसे ले लीजिए। एक चीज बहुत जरूरी है कि ये साबूदाना अच्छे से आप मैश कीजिए, नहीं तो ये तेल में फूटेगा। अगर साबूदाना वैसे ही रह गया तो तेल में फूटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए अच्छे से इसे ऐसे मैश कीजिए। देखिए इसे 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये अच्छे से फिर आपका साबूदाना फूटेगा नहीं। ये देखिए ये साबूदाना कैसे मैश हो रहा है, पूरा मिक्स हो रहा है। अभी मैंने साबूदाना पूरा 5 मिनट तक मैश कर दिया है। अब इसमें पड़ेगा आलू। आलू ध्यान रखिए आलू ज्यादा ना हो, कम अगर हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन आलू अपना ज्यादा ना इसमें पड़े। ये पूरे अच्छे से इसे मैश कीजिए। इसमें 4 मीडियम साइज आलू है। फिर इसे मिक्स करना है धीरे धीरे। पड़ेगी हरी मिर्च, हल्की सी लाल मिर्च, नमक 1/2 चम्मच, थोड़ी सी चीनी। ये पहले मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालिए मूंगफली। मूंगफली को ज्यादा आप पीसिए मत एकदम, क्योंकि वो ना फिर आपके वड़े एकदम गले गले हुए से लगेंगे, इसीलिए थोड़ा सा मोटा मोटा ही मूंगफली का दाना रखिए। अब ये मिक्स कीजिए अच्छे से। आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने अच्छे आपके वड़े बनेंगे। ये बहुत प्रोसेस अच्छी है और बहुत जरूरी है। चलिए तो हम बड़े बनाते हैं। इसके लिए पहले अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल ले लीजिए, तरीके से जैसे चिपके ना बड़े हमारे हाथ पे। वड़े को ना जैसे हम चपाती की जो ये बनाते हैं लोरी बनाते हैं उसे ऐसे ऐसे गोल 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 कर करते हैं ना, वैसे ही कीजिए, फिर साबूदाना आपका छूटेगा नहीं। ये देखिए ऐसे थप थपा के तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा, नहीं तो तेल में डालने के बाद एक एक साबूदाना छूटता जाता है, तो ये प्रोसेस भी बहुत जरूरी है। ये देखिए और फिर ऐसे लेके इसे थोड़ा सा दबा दीजिए। लग रहे हैं ना प्यारे, देखिए ऐसे हम 2-4 बड़े बना लेते हैं।
देखिए मैंने तेल मीडियम आंच पे गरम कर दिया है। तेल इसमें देखिए ज्यादा गरम ना होना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी ना होना चाहिए। मीडियम हीट पे ही हमें तेल करना है गरम। उसके बाद हम इसमें एक एक वड़ा छोड़ते जाएंगे। धीरे से गैस ज्यादा धीमी रखेंगी पहले से ही तो ये बड़े पूरे उसमें गल जाएंगे, इसलिए मीडियम आंच पे ही इसे तलना है। और ज्यादा बढ़ाएंगी तो जल जाएंगे अंदर से, फिर वो पकेंगे नहीं अच्छे से। इसे 2 मिनट ऐसे ही तलने के लिए रख दीजिए, उसके बाद इसे पलटेंगे। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देखिए कैसे हो गए। अब इसे पलट लेते हैं एकदम धीरे से। बहुत लोगों के साथ ये हो जाता है कि साबुदाना फूटता है, तो थोड़ा सा केयरफुल। अगर ये चिपक भी जाए एक दूसरे से तो ये बाद में छोड़ते हैं, कोई ये नहीं रहता है इसका। ऐसे ही आप मीडियम आंच पे इसे और 2-3 मिनट तक ये कीजिए, जब तक इसका ब्राउन कलर ना आ जाए। ऐसे ही 2-3 मिनट तक इसे और पकाइए, जब तक इसे ब्राउन कलर ना आ जाए अंदर से अच्छे से। फिर क्रिस्पी होंगे, पकेंगे तो मस्त लगेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट मुझे हो गए इसे डाल के पलटा करके। अब इसे अच्छा कलर आ रहा है, ये ब्राउन कलर अब लग रहा है अंदर से भी अच्छे से पक गए। अब इसे हम छान लेते हैं। लग रहे हैं ना मस्त। देखिए तो ये बनके तैयार हो गया मेरा साबुदाना वड़ा। ये नारियल की चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। नारियल की चटनी कैसे बनानी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो देखते हैं मेरी बेटी को ये कैसे डिश लगी, क्योंकि उसकी तो ये मनपसंद डिश है और हफ्ते में एक बार तो ये डिश हमारे घर में बनती है। साबुदाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए उसके लिए जानते हैं कि ये डिश कैसी बनी है। अब जानते हैं मेरी बेटी से कि ये डिश कैसी बनी है, वही आपको बताएगी। उसकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि वो अच्छी बनी है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, और जरूर जरूर बनाइएगा। धन्यवाद।